दोस्तों आज हम लोग बिंदु ए कामा बी और माइनस बी कामा ए के बीच की दूरी ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप माना एक्स वन बराबर ए, वाई वन बराबर बी, एक्स टू बराबर माइनस बी और वाई टू बराबर ए। ये एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू माना गया है। जबकि बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है वो डी बराबर एक्स वन माइनस एक्स टू पर होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू पर होल स्क्वायर। यस, डी बराबर एक्स वन का जो वैल्यू है वो है ए माइनस एक्स टू का जो वैल्यू है वो माइनस बी पर होल स्क्वायर प्लस वाई वन का जो वैल्यू है वो बी है माइनस वाई टू का जो वैल्यू है वो ए है, ए पर होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका होगा डी बराबर रूट ए प्लस बी पर होल स्क्वायर प्लस बी माइनस ए पर होल स्क्वायर। ठीक है, इससे लिख सकते हैं डी बराबर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये बराबर है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए बी। बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू ए बी माइनस में है, ये टू ए बी प्लस में है, इसको हम काट सकते हैं। ठीक है, तो डी बराबर आपका आएगा ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर होता है, बी स्क्वायर टू बी स्क्वायर होता है। जबकि d बराबर हम चाहें तो लिख सकते हैं टू कामन लेके, जब कामन लेंगे टू कि टू इसमें भी है टू इसमें भी है, जब दो कामन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यस, ये आपका आया है ए d बराबर टू इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूनिट या मात्रक। ओके दोस्तों, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।